संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को कई यूक्रेनी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, उन पर यूएस चुनाव हस्तक्षेप। ट्रंप के एक सहयोगी ट्रेजरी के सहयोगी स्टीवन मेनुचिन ने पिछले हफ्ते यूएस में हिंसा की निंदा करते हुए कहा, रूसी नागरिकों को निशाना बनाने वाले अभियान हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, ट्रंप समर्थक भीड़ द्वारा कैपिटल ने एक बयान में कहा। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने 7 लोगों और 4 संस्थाओं पर रूस से जुड़े विदेशी प्रभाव नेटवर्क में यूक्रेनी सांसद एंड्री डेरकच से जुड़े होने का आरोप लगाया। रूसी समर्थक सांसदों को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों से मारा गया था। सितंबर के आरोपों में सरकार ने 2020 के यूएस में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बिडेन ने जीता चुनाव। कार्रवाई किसी भी यूएस उन लोगों की संपत्ति को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और आमतौर पर अमेरिकियों को उनके साथ व्यापार करने से रोकते हैं। न्यूचियन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे चुनाव प्रणालियों और प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करने के लिए आक्रामक रूप से जारी रहेगा। डेमोक्रेटिक की अगुवाई वाली यूएस प्रतिनिधि सभा ने दिसंबर 2019 में ट्रंप पर महाभियोग चलाने और रिपब्लिकन राष्ट्रपति के अनुरोध पर कांग्रेस के रुकावट के आरोप में मतदान करने के लिए मतदान किया, जिसमें यूक्रेन ने चुनाव से पहले बिडेन और उनके बेटे हंटर की जांच की। फरवरी 2020 में रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले सीनेट ने ट्रंप को पद पर बनाए रखने के लिए मतदान किया। देखने के लिए धन्यवाद।